हर शॉट में आ रहे हो यार। हज़रत मोहतरम, हमारा एहतजाज यहीं पे हम एक प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद ज़्यादा ना झंडा नून लीग का होगा, ना पीटीआई का होगा, ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का होगा, ना पीपल्स पार्टी का होगा। सारे झंडे वो हैं जिस झंडे तले हम सब मुतहिद होकर ये तहरीक चलानी है। फिर फैसला करना है कि कश्मीर को आज़ाद कराकर इसका फैसला हम सब करेंगे। दिन से कश्मीरियों को आपसे भेजा में रखा है, आज उसके मीडिया ने जिस तरह से इस काज को उजागर किया है, जो दूर दराज से आए शुक्रिया अदा करें, जो आपको मजबूत मौकफ इख्तियार करके फैसला लेने की घड़ी है, जिन काम तक जाने के लिए तैयार हैं। आप फैसला करें, पीपल सुल्तान बनना है या ट्विटर सुल्तान बनना है। हमें फैसला ये करना है कि हमें आप सोशल मीडिया की जंग से आगे बाहर आना है। और एक बात भी देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि ना ये आखिरी प्रोग्राम है और ना ये पहला प्रोग्राम है। हम सबको मिलकर खड़े होना है और अल्लाह और उसके कवानीन के मुताबिक, कुरान के फैसले के मुताबिक कश्मीर का फैसला करना है। क्या आप लोग तैयार हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को मोहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम में बदल देंगे? क्या कश्मीर को आज़ादी दिलवाएंगे? क्या ना कर्फ्यू के ऊपर बात है, ना कुछ और? दुनिया उनके साथ खड़ी होती है जो अल्लाह के रास्ते में हक और सच के लिए अलम बुला। एक आज़ाद मुल्क है और एक आज़ाद मुल्क रहेगा और आज़ादाना पॉलिसियाँ इख्तियार करेगा। हमें किसी का दबाव जो है वो काबिल कबूल नहीं। हम एक न्यूक्लियर एटमी इस्लामी ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह वाला पाकिस्तान है। हम किसी से कमज़ोर नहीं। जिस दिन ये कौम बेदार हो गई कश्मीर, तो कश्मीर बहुत कुछ आज़ाद हो जाएगा। ना ना आरएसएस तेरी अर्थी उठने वाली है, तू हिंदुस्तान की खैर मना।
नहीं हो सकता कोई समझौता आजादी पर तेरी दहशत गर्दी जुल्म और सितम करे सब फस्ताई हथकंडे तेरी रुसवाई पर खत्म हुए वो देख तिरंगा जलता है दीवार का लिखा पढ़ो। बहुत शुक्रिया आबद अब्बासी साहब इजहार ख्याल कर रहे थे। आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ पैगंबर इजहार ख्याल फरमाए। जे यू आई आजाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल और इम्तियाज अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ दो मिनट में इजहार ख्याल फरमाए। इसद साहब को मुबारकबाद देते हुए उनके टीम को आपसे ये गुजारिश करना को लाखों बच्चे पूरे जवान उसके मासूर हैं लॉकडाउन करके मासूर करके कश्मीरियों से आज़ादी का बुजदिल कौम नहीं पाकिस्तानी कौम बुजदिल कौम नहीं। हम ये कहना चाहते हैं जब तक आप हिंदू बनिए को ललकारेंगे नहीं। दीगर जो कायदीन है वो लगा रहे हैं वो नारा हम भी लगाएंगे आजाद कश्मीर की सारी क्यादत लगाए एक ऐसे मौका पर जब थोड़ी देर के बाद भारत का वजीर आजम एक बैनर के तले आज़ादी के बैनर के तले इस वक्त खड़े हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जब जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बना जो यासीन मलिक साहब जो मेरे शौहर हैं और अजीम तरीन दुनिया के बहादुर तरीन लीडर हैं जो मैं समझती हूँ कश्मीरी कौम दुनिया की सबसे खुशकिस्मत कौम है कि ऐसा लीडर नसीब हुआ जिसने खुद हिंदुस्तान को ललकारा और खुद कहा तिहार के दरवाजे खोल दो जेल के मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पे नारे तकबीर ऐसा तारीख में भी नहीं सुना ना देखा दुनिया के जो लीडर्स आए हैं और आप सब लोग आजाद कश्मीर के जो लोग हैं ये आप पे फर्ज है कर्ज है जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप का उनका मैं पैगाम पहुंचा रही हूं आपको कि आप सब लोगों ने एक हो जाना है आजादी के अंदर आपकी पहली सीढ़ी है खुद आपको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिला जाए दूसरी सीढ़ी है कि आपको राय शुमारी का हक दिया जाए और तीसरी सीढ़ी है जो कश्मीरी चाहते हैं कोई दुनिया की ताकत आज तक कश्मीरी कौम को हरा नहीं सकी धमका नहीं सकी कभी भी कोई फोर्स नहीं कर सकता जो कश्मीरी चाहेंगे वही फैसला दुनिया को कबूल करना पड़ेगा ये फैसला आपका फैसला है कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता और आप लोगों ने इस बार आपस में बिल्कुल इत्तेफाक रखना है आपको पता है कि यासीन साहब ने खुद मुख्तार कश्मीर और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान को जोड़ दिया जो आज तक मकबूल पर शहीद नहीं कर सके आपके हीरो मोहम्मद यासीन मलिक और ये वही तिहार जेल की डेथ सेल में है मौत के मुंह में है उनको इसलिए सबसे भारी सजा मिल रही है कि उन्होंने सारी कश्मीरी कौम को जोड़ा सईद अली गिलानी साहब मीरवाइज उमर फारूक साहब और सारी हुर्रियत रहनुमाओं इकट्ठे हो गए और उन सब का एक ही फैसला है कि जब तक हमें अपना आज़ादी का हक नहीं मिलेगा हम सब एक हैं हम सब बहन भाई हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता और इसी वजह से आपके लीडर मेरे शौहर हम सब के लीडर को जो जहरीला इंजेक्शन 3 साल पहले लगा जब वो सेंट्रल जेल में थे वो इसी सजा इसी गुना जो उन्होंने गुना कमिट किया हिंदुस्तान की नज़रों में कि आप सब लोगों को एक किया उनको फांसी भी हो सकती थी खुदा न खासा अभी भी जो उनके खिलाफ अक्टूबर के अंदर जो ट्रायल खुल रहा है वो भी फांसी का है आप सब लोगों ने एक होके उनका साथ देना है सईद अली गिलानी साहब हो आसिया द्राबी साहिबा हो शबीर शाह साहब हो आप सब ने एक होके हिंदुस्तान का मुकाबला करना है और अपनी आज़ादी के लिए यूनिटी फेथ डिसिप्लिन जिस पर पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो लोगो था पाकिस्तान मूवमेंट जब चली सब इकट्ठे थे मैं सारे पाकिस्तान में भी जाती हूँ मैं हर जगह जाती हूँ मैं हर जगह यूनिटी का पैगाम भेजती हूँ कि आप कश्मीरियों की आवाज़ बने
इसमें जो भी आ रहा है इस वक्त ये सबका जारिया है, हम आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते हैं, मगर अगर आपने वाकई में जिंदगी में कुछ मकसद अचीव करना है तो सबसे अजीम और सबसे बड़ा मकसद है कि आप कश्मीरियों का साथ दें, कश्मीरियों को कोई ना भूले और सब में इत्तेफाक हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरी क्या चाहते हैं? कश्मीरी क्या चाहते हैं? हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुम्हें देना पड़ेगी आजादी, तुम्हें देना पड़ेगी आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। अब आप लोगों के पास है, फैसला करने का वक्त आ गया है आजाद कश्मीर की आवाम का, कि आपस में आप लोगों ने एक होना है या अपने हिंदुस्तान को हराना है और आपने राय शुमारी की तरफ जाना है। उसके बाद जो आप फैसला करेंगे सब आपको मानेंगे, मगर आपस में हमने एक होके, यही हमारी ताकत है, एक और एक 11 होता है, हम लोगों ने इकट्ठे रह के अपना खून का एक कतरा मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम भूख और प्यास से मुकाबला कर रही है। टॉर्चर सेल्स में हमारे जवानों को लेके जाया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, हमारी बहनों माओं को बेटियों को उनके घरों में उनकी इज्जत महफूज नहीं है, लड़कियों को कश्मीरी बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। और इस वक्त मोदी की जो पॉलिसी है उसकी अपनी मुल्क में आप देख लें कितनी तोड़ फोड़ हो रही है, कश्मीरियों को वो कभी हरा नहीं सकेगा, ये उसकी भूल है। और इस वक्त तो उनकी अपनी इकोनॉमी तबाह हो गई है, अल्लाह दिखाएगा कहर आएगा उन सब हिंदुस्तानियों पे जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा होलोकॉस्ट और जेनोसाइड किया। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम क्या है? जेनोसाइड है। पूरी कौम को खत्म किया जा रहा है कि कश्मीरी कौम दुनिया में कभी जैसे थी नहीं, मगर ये हिंदुस्तान की और मोदी की जो है तबाही का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा आज़ादी फोरम दिरकोट से मुंतजमीन में मेरा नाम साजिद रफीक है। हम आज एक भरपूर इत्तेजाज कर रहे हैं मोदी की कश्मीर कुछ पॉलिसियों पे और आर्टिकल 370 के ख़िलाफ़ हम आज यहाँ यून ऑफिस के सामने इत्तेजाज कर रहे हैं। इस इत्तेजाज का बुनियादी मकसद ये है कि मोदी कश्मीर के अंदर जो पूरे कश्मीर को जेल बनाया हुआ है वो फिलफोर एक तो कर्फ्यू ख़त्म करे, वहाँ पर जो कश्मीर को जेल बनाया गया है उसको भी मामूल की ज़िंदगी पर लेके आए, और दूसरा जो कश्मीर कुछ पॉलिसी हैं मोदी की मकबूजा कश्मीर के अंदर हम उनसे कश्मीरों से हज़ारी यकदेजी के लिए हम यून ऑफिस के सामने खड़े हैं और मोदी को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैरा नसीम, प्रेसिडेंट लेडीज़ विंग, रावलपिंडी डिवीज़न, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो फोर्स। आज हम यहाँ सब जो इकट्ठे हुए हैं अपने तमाम तर कश्मीरी भाई बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनके दुख में शरीक होने के लिए, और मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ अपने तमाम तर कश्मीरी बुज़ुर्गों, अपनी बहनों, माओ, बच्चों, भाइयों को कि पूरे पाकिस्तान की आवाम, तमाम तर उम्मत मुसलमा आप सब लोगों के साथ खड़ी है और आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़ी है, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे आप लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलीज़ जिन जिन भाई बहनों निकालेगी मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, और यहाँ पर आने वाले तमाम जो कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फोर्स जो आज यहाँ पे हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, मैं मरकजी प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो फोर्स राजा फैज़ अकबर जंजुआ साहब की क़यादत में यहाँ पे आज मौजूद हूँ अपने तमाम तर कश्मीरी भाई बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीरी अवाम पाइंदाबाद, जिए भुट्टो। रहमान रहीम, नदीम मिनास, कश्मीर अंजुमन ताजान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। मैं समझता हूँ जिस तरह आप आज देख रहे हैं यहाँ दारुल हुकूमत में
آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں سے کشمیر کے کشمیری قوم سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان کے اندر تڑپ ہے. یہ لوگ خالی اسلام آباد نہیں بلکہ یہ سری نگر جانا چاہتے ہیں. ان لوگوں ہر بندے کے دل میں یہ ایک تڑپ ہے کہ وہ کشمیر میں جائیں گے. جس دن ہماری فوج اور ہماری قیادت ہمیں اس بات کی اجازت دے گی تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بارڈر لائن شائن نہیں دیکھیں گے. بارڈر لائن کراس کر کے پاکستان کا جھنڈا کشمیر کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو لگائیں گے اور کشمیر کی آزادی لے کر رہیں گے. شکریہ. میرا نام منصور احمد ہے اور میں آزاد کشمیر باغ ضلع باغ سے تعلق رکھتا ہوں. اور آج ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا یہ مقصد ہے کہ بھارت میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے. ہم یہاں سے سارے اکٹھے ہو کر متحد ہو کر یہ ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھارت میں جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. اور ہمارا یہاں پہ سب کا اکٹھے ہونے کا بس یہی مقصد ہے. اور ہم جو ہے نا آزادی چاہتے ہیں اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار منظور کلیم عباسی سابق امیدوار اسمبلی علی انتالی ولی چار آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس ضلع راولپنڈی کا کنویر. میں اس موقع پر پاکستان کی عوام کا تہ دل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مودی کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مودی ہم پاکستان کا جھنڈا دہلی اور آگرہ پہ بھی اگاڑ دیں گے. ہم اس نسل سے ہمارا تعلق ہے. یہ پاکستانی قوم پاکستانی قوم میں ان لوگوں کا خون ہے کہ جنہوں نے 65 اور 71 میں آپ کو نانی کا ننیال یاد کروایا تھا. اور یہ وہی قوم ہے. ان کے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. مودی تم گائے کا پیشاب پینے والے ہو. اور یہ جو تم نے ٹکر لی ہے مسلمانوں سے یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی. اور ہم ایک دن آزادی دے کے رہیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان. ہم سب پاکستانی ہیں. سارے کا سارا کشمیر پاکستانی اور ہم تم سے آزادی چاہتے ہیں اور آزادی دے کر رہیں گے. میں متحدہ آزادی فورم دھیرکوٹ سے راجہ صدق بات کر رہا ہوں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مودی نے جو آرٹیکل 370 کا وہاں پہ ختم کیا ہے اس کے خلاف ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی مودی سے اور انڈیا سے انشاءاللہ تعالی آزادی لے کے رہیں گے. اور ہمارا یہ حق ہے کہ وہ مطلب انڈیا جو ہے وہ قابض ہے وہاں پہ کشمیر پہ ناجائز, اور اس کا ناجائز قبضہ جو ہے وہ اقوام متحدہ اور یو این ریزولیوشن کے مطابق حل کیا جائے اور کشمیریوں کو حق رائے خود ارادیت جو ہے وہ دیا جائے, جس کا ہم بھرپور یو این کو مطالبہ کرتے ہیں.